need you to like. You can watch me go, cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like me. You can say हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज हम रिव्यू करने वाले हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर की। ये 2017 का वेरिएंट है, 2.2 लीटर का इसे इंजन है, जो कि 146 bhp की पावर जनरेट करता है और 343 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये हमारे पास 6 स्पीड डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट है। और ये भाई ऐसे कुछ इसमें गाड़ियों में बहुत कम मॉडिफिकेशन करा के रखी है, जैसे कि शीशे थोड़े से टिंट करा रखे हैं और पीछे सब कुछ इसमें स्टॉक है। कोई भी एक्स्ट्रा इसमें ऐड नहीं करवा रखा ओनर ने, पूरी स्टॉक गाड़ी है ये। स्पॉइलर वगैरह जो भी आता है सब कंपनी की तरफ से आता है। और भाई इसके अगर हम देख लेते हैं, इसका इंटीरियर काफ़ी प्यारा है भाई। इसकी कंपटीशन है बस, अभी अगर देखा जाए तो MG Gloster आ गई है, लेकिन उसमें भी काफ़ी शिकायत आ रही है कि उसका इंजन रिलायबल नहीं है, कोई कहीं लेके जा रहा बंद हो जा रही है, उसकी फंक्शनैलिटी ढंग से नहीं चल रही है। तो इसके कॉम्पिटिशन में बस एक ही गाड़ी बचती है, जो कि है फोर्ड की इंडीवर। तो अभी ओनर से बात करते हैं कि उनका कैसा व्यू है, उनका कैसा रिव्यू, और उन्हें अगर अब 4 साल चला ली गाड़ी तो उनको भी दिक्कत आई है नहीं आई। तो एक बार इसका इंजन और देख लेते हैं। तो भाई ऐसा कुछ इसमें इंजन आता है, जो कि 2.4 लीटर का इंजन है ये, जो कि 147 bhp पावर जनरेट करता है और 343 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो भाई ऐसे कुछ इसमें तो भाई अब तो भाई अब गाड़ी के ओनर से बात कर लेते हैं, गर्व यादव से, जो कि भाई गुड़गांव से है। हेलो भाई। हाय भाई। आपको कोई दिक्कत आई इस गाड़ी में? नहीं भाई, इसको 4 साल कुछ हो गया, आज तक दिक्कत नहीं आई कभी। कोई भी दिक्कत कहीं फंसी हो? आज तक कहीं भी नहीं फंसी भाई। ये गाड़ी में पावर ही इतनी है। अच्छा, ये 4x2 वेरिएंट है। हाँ भाई, 4x2। तो कभी आपको लगा कि भाई 4x4 ले लेते तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है, या फिर कुछ ऑफ रोडिंग कर लेते ढंग से? नहीं यार, देखो 4x4 में क्या होता है, कभी कभी यूज आता है, बट 4x2 में भी इतनी पावर है कि गाड़ी ने कभी हाथ नहीं छोड़ा, कभी कहीं पे भी ले जाओ, मतलब बहुत अच्छी पावर है इसमें। इसे कितने किलोमीटर चला दिया आपने? ये भाई 56,000 कुछ किलोमीटर चला दिए अभी तक। अच्छा, 4 साल में। हाँ जी। और अभी ये लॉकडाउन वगैरह लगा होगा तो कमी चली होगी, लॉकडाउन से पहले ही चली होगी? आप तो कमी चलती है, बट ये कि ट्रिप्स लगती रहती है तो हो जाता है। भाई आपने ये इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा करवा रखा है कंपनी, जो आपको स्टॉक गाड़ी में नहीं मिलता? भाई पूरी गाड़ी स्टॉक है कंपनी, मतलब सफिशिएंट फीचर्स देती है कि हाँ कमी नहीं पड़ती, बिल्कुल स्टॉक है, कुछ भी नहीं है बाहर से। ये बस ये शीशे जो आप बता रहे, थोड़े से शीशे टिंट करा रखे हुए हैं ना, धूप बहुत ज़्यादा आती है तो ज़रूरी है वो। यार अलॉय वगैरह भी आपने सब वही रख रखे? अलॉय भी पूरे स्टॉक है हमारे। अच्छा, और टायर्स कंपनी वाले स्टार्टिंग वाले चल रहे हैं या फिर आपने चेंज करा लिया? कंपनी वाले ही चले अभी, अभी 56,000 किलोमीटर वही 56,000 चला दिया, अभी तक कंपनी वाले ही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, टायर बंचर भी नहीं आज तक। अच्छा, और भाई इसमें ये 7 सीटर कार है प्रॉपर? हाँ भाई। तो आपने कितनी यूज़ में आती है 7 सीटर, जो थर्ड रो वाले पैसेंजर उनके कितने? भाई देखो, अगर घर में ना फैमिली में अगर आपके बच्चे हैं तो वो इजीली बैठ जाएंगे, बट है ना जैसे हमारे बंदे हो गए, इसकी 5-6 हाइट है, 6 वाला बंदा तो बैठ ही नहीं सकता जिसकी 6 फुट हाइट है, बहुत दिक्कत आती है, घुटने नीस टच होती है। अभी बाई चांस अगर इमरजेंसी में थोड़ी दूर जाना तो चल जाएगा? हाँ, तो बैठ सकते हैं, बाकी लॉन्ग रूट पे वो नहीं है, कामयाब नहीं है, लॉन्ग रूट पे नहीं बैठा जाता, वो ये कि फिर बंदे को सीट बदल बदल के बैठना पड़ेगा। और भाई आपने अगर एंडेवर भी चलाई हो? हाँ भाई। तो एंडेवर के और इसमें चलाने में कितना फर्क है? भाई एंडेवर चलाने में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस एंडेवर क्या है फीचर्स ज़्यादा ऊपर करती है, बट वो ये इतने टाइम से वही फेसलिफ्ट, कोई फेसलिफ्ट नहीं दे रहे, वही ओल्ड शेप है, ये थोड़ी न्यू शेप है ना तो अच्छी लगती है। और भाई सनरूफ काला की रुतबा है, और सनरूफ की कितनी कमी है? भाई सनरूफ की कमी बिल्कुल लगती है, क्योंकि कभी बाहर जाते हैं ना तो मन करता है कि यार बाहर निकले, थोड़ा अच्छा लगता है, बट भाई कंपनी ने बोलती है बिल्ड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। और जाए बता रहे कि कंपनी बिल्ड क्वालिटी कहते हैं, लेकिन उसमें लैंड रोवर में 1.5 करोड़ वाली लैंड क्रूजर आती है, उसमें तो दे रखे सनरूफ, पता नहीं क्या चलता रहता है। भाई गाड़ी के अंदर आपको पीछे की दिखा देता हूँ कितना अच्छा। भाई ये सीट कवर वगैरह सब कंपनी फिटेड है? जी भाई बिल्कुल सब कंपनी फिटेड है, लेदर सीट कवर मिल जाते हैं इसमें। और भाई आपने थर्ड रो डाउन कर रखी है, तो मतलब आप यूज़ नहीं करते? नहीं, अभी तो जैसे नॉर्मल चलते कहीं जाना नहीं तो थर्ड रो डाउन होती है, सामान वामान आराम से आ जाता है। और भाई माइलेज कितने की दे रही है? भाई माइलेज ये देती है 9-10। आप सेटिस्फाइड हो इसमें? भाई ठीक है, इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, एक जो होते हैं ना फील आती है गाड़ी, ऐसी गाड़ी चलाने में उसके आगे, भाई अभी इतनी महंगी गाड़ी ले तो माइलेज तो कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, माइलेज से इतना फर्क नहीं पड़ता यार, जो बंदा 40 लाख की गाड़ी ले रहा है। सही बात है, जो इतनी महंगे पैसे खर्च कर रहे हो माइलेज ही कहीं सोचेगा। इसमें ना सीट कवर से ना आज तक देखिए क्रैक भी नहीं आया, 56 किलोमीटर चल चुकी है, 56,000।
और भाई इसमें आपको जो सेंटर वाला पैसेंजर है उसके लिए भी माउंटेड वो मिल जाती है सीट बेल्ट और हेडरेस्ट भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट हेडरेस्ट है और यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है अगर दो पैसेंजर ही बैठ रहे हैं तो। और भाई स्पीकर क्वालिटी के बारे में बताओ। बस सीट पर स्पीकर क्वालिटी सेटिस्फाइंग है, नॉर्मल स्पीकर है, बढ़िया है, बेस वेस सब ट्रेवल सब बढ़िया है इसका। और भाई आप यहाँ पे हमें लेदर मिल जाता है जो कि काफ़ी भाई प्रीमियम लुक आता है। अब ये देखो कि बिल्कुल प्रीमियम लुक आता है, यहाँ पे जितना ज़रूरी है वहीं पे उतना ही दे रखा है, ये नहीं है कि कंपनी ने ओवर कर रखा हो कहीं पे। सही बात है ना भाई, देखो लेदर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर दे रखा है भाई। और यहाँ पर भाई आपको फॉर्चुनर की बैजिंग मिल जाती है। अब भाई अंदर ड्राइवर से बढ़िया भाई इसमें ये लगता है कि यार जब एज ए फुटस्टेप से चढ़ते हैं ना वो फील आती है उससे बैठने की, वो मतलब फील यार पूरा आपको हुड दिखता है आगे का। बिल्कुल भाई ऐसे लगा रहे हाँ यार उसकी गाड़ी चल रही है, पूरा हुड दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं आती ट्रैफिक में भी। हाँ सही है। और कटाई इसकी बिल्कुल नहीं है, पैडल शिफ्टर साथ है इसमें। भाई पैडल शिफ्टर के बारे में बताओ, जो बता रहे थे कि कितने कितने कामयाब है पैडल शिफ्टर। भाई पैडल शिफ्टर जैसे आपको कभी ना ओवरटेक करना हो, अगर ऑटोमेटिक में थोड़ा होता है, ये ऑटोमेटिक वेरियंट है, पैडल शिफ्टर से है कि डायरेक्ट ऑटोमेटिक से आप उसमें आ सकते हो स्पोर्ट्स मोड में। पैडल शिफ्टर यूज़ करो ओवरटेक में ईजी होगा, और अगर गाड़ी ऐसे जहाँ पे मर्ड हो थोड़ा वहाँ पे फंसी हो तो पैडल शिफ्टर से आराम से निकल जाती है, नहीं तो ऑटोमेटिक में ज़्यादा पावर लगाती है टायर स्लिप होते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल है इसमें? जी भाई बिल्कुल है इसमें, ये रहा बटन ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ के लिए। इसमें यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। तो भाई ऐसा कुछ इसमें आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिल जाता है जो कि दिखने में काफ़ी प्यारा, और जो स्टार्टिंग में फॉर्चुनर की एक बैजिंग आती है ये भाई इसमें टच स्क्रीन मिल जाती है हमें। और भाई काफ़ी प्यारा इंटीरियर है, जो भाई जो इससे पहले वाली फॉर्चुनर आती थी, हाँ जी, जो इससे पहले वाला फेसलिफ्ट था उसका एसी कंपनी, तो उसका इंटीरियर कैसा लगता था आपको इससे पहले वाली थी? भाई जब उस टाइम पे वो फॉर्चुनर थी उसकी अलग फील थी वो, हाँ इससे थोड़ी बल्कि लगती थी, बट हाँ इंटीरियर में देखो यार टाइम टू टाइम चेंज चाहिए, अब ऐसी टेक्नोलॉजी है फीचर्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो ये बहुत सेटिस्फाइंग अच्छा लगता है इंटीरियर। जब ये वाला फेसलिफ्ट आया था तो इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड करी थी कंपनी ने, लुक पूरा चेंज कर दिया था जी, तो आपको मतलब उस टाइम पे थोड़ा ऑड लगा था कि ये अजीब सा लग रहा था, आप सही सेटिस्फाइड थे? नहीं भाई बिल्कुल सेटिस्फाइड थे, जैसे आप शार्प लुक्स चल रहे गाड़ी के तो बिल्कुल ही शार्प है, बिल्कुल ये कहते हैं ना मॉडर्न लुक आता है। एंडेवर के कंपैरिजन में कह रहा था एंडेवर थोड़ी ओल्ड लगती है अभी भी, वो चेंज नहीं करते अपने भाई दोनों ने। इसकी आप इसकी हेडलैम्प्स देखोगे तो बिल्कुल शार्प है, बड़ी अच्छी मतलब थ्रो है, रात को अच्छा विजन है बहुत। और भाई हमारे पास 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिल जाते हैं इसमें, यहाँ पे कुछ कप होल्डर ऐसे कुछ, ये इसका कप होल्डर है कुछ यहाँ पे, इससे तो मर्सिडीज वाली व्हील आती है ऐसे मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे टाइम दिखता रहता है अपना बढ़िया। और भाई एसी कैसा है इसका? भाई एसी बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छी कूलिंग करता है। अच्छा और भाई एक बात, तो जब इतनी आप गाड़ी लेते हो 40 लाख की तो इसका इंश्योरेंस कितने का होता है हर साल? भाई इंश्योरेंस होता है इसका 1.5 लाख का। अच्छा हर साल? हाँ जी हर साल इसको 1.5 लाख का इंश्योरेंस ही है भाई। सबसे बढ़िया बात लगती है इसकी सर्विस की। अच्छा सर्विस में ना क्या है, ज़्यादा अगर बिल्कुल ज़्यादा मैक्सिमम 15,000 इसकी सर्विस हो जाएगी मैक्सिमम इस गाड़ी की। हाँ जी मैक्सिमम, और वैसे खाली इंजन ऑयल ये सब कराते हो तो भाई 5,000 के अंदर हो जाती है सर्विस, 5,000 के अंदर इसकी सर्विस डन हो जाती है। फॉर्चुनर भाई यही रीज़न है सबका लेने का, कहना एंडेवर से ज़्यादा रिलायबल लगती है लोगों को यार। टोयोटा की सर्विस आफ्टर सेल सर्विस अच्छी लगती है? जी भाई बिल्कुल अच्छी लगती है बहुत, जैसे वहाँ पे जाते हैं तो हमें जिस तरह से ट्रीट करते हैं ना वो बहुत अच्छा लगता है, गाड़ी को बिल्कुल अच्छे से देखना सभी चीज़ें, मतलब ये होता है कि जो कमी होती है ना वो सुनी जाती है। हाँ ये मतलब आपकी जो भी आप बताते हो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हो, ठीक करते हैं ये। इसमें ग्लव बॉक्स भी आते हैं जैसे एंडेवर में नहीं है। अच्छा और यहाँ पे लेदर फिनिश है ना ये बड़ी बढ़िया लगती है। हाँ वही मैं बता रहा था कि जहाँ जहाँ पर जरूरी है वही करा है कंपनी, ये नहीं है कि ओवर कर दिया हो। हाँ। जैसे कुछ कंपनियाँ क्या ज़्यादा देने के लिए मतलब हर जगह पे लेदर डाल देती है, इनमें देखो यहाँ पे प्लास्टिक है प्रॉपर, वहाँ पे अच्छा लग रहा है लेदर तो यहाँ पे लेदर दे रखा है। और भाई ड्राइवर के जितने भी टच पॉइंट है ना ये सारा लेदर है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आर्म रेस्ट हो गई, हैंड ब्रेक है, ये प्यारा लग रहा है बड़ा। और भाई कंफर्टेबल है गाड़ी जब आप बता रहे आप जैसलमेर वगैरह जाते हो लंबे रूट पे? भाई बिल्कुल कंफर्टेबल है, कि ओल्ड जनरेशन से कंपेयर करें ना तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इवन जो इंजन हमारा भी स्टार्ट है, गाड़ी स्टार्ट खड़ी है तो अंदर आवाज़ भी नहीं आ रही थी। हाँ बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, वैसे एसी की आ रही है जो हमने एसी चला। हाँ एसी की आवाज़ आ रही है थोड़ी, वैसे बहुत बढ़िया है भाई। ये हमारी आर्म रेस्ट आती है, इसमें अच्छा खासा स्पेस है। हाँ स्पेस काफ़ी अच्छा है। और भाई चार्जिंग पॉइंट कहाँ कहाँ पर मिल जाती है? भाई चार्जिंग पॉइंट जैसे इसमें हो गया, ये कंपनी का आता है, यहाँ पे लगा लेते हैं। हाँ जैसे आजकल नई गाड़ी आ रही है तो पहले से यूएसबी पोर्ट दे रखा है, तो डायरेक्ट यूएसबी दे रहे हो? हाँ जी हाँ जी। ये क्या चीज़ भाई? मुझे पता नहीं, ये पार्क मोड है, इसमें सारे मोड आते हैं, पी रिवर्स न्यूट्रल है और ये है डाउन। नहीं वो डाउन। अच्छा हो गया मैनुअल होता होगा?
नहीं इसमें चलती है ना, इसमें होती है ड्राइव, अच्छा ड्राइव ड्राइव मोड में चली जाएगी गाड़ी चलने लगा लेगी। और भाई इसमें हमें दो मोड मिल जाते हैं, इको मोड और पावर मोड। भाई कितना फर्क है इको मोड और पावर मोड में? भाई इको मोड में इसलिए चलाते हैं कि थोड़ा माइलेज का फर्क आता है, बट ये पावर में जितनी पावर है ना पूरी डाल देगी। अगर आप गाड़ी भगाने के शौकीन हो तो भाई ये गाड़ी कभी आपको नाराज नहीं करेगी। और भाई माइलेज का कितना फर्क आ जाता है पावर मोड में और इको मोड में? भाई माइलेज 2-3 गिर जाती है, मतलब 7-8 की देती है, इससे कम नहीं देगी। 10 की माइलेज दिखा रहा है भाई अभी, इसमें 10 की माइलेज शो कर रहा है और गाड़ी टोटल 53,000। हाँ जी 53,000 चल, 53,000 चल चुकी है गाड़ी। और भाई एक बार इसका वो साउंड सिस्टम और देख लेते हैं कैसा है। तो भाई एक बार इसका साउंड सिस्टम चेक कर लेते हैं कैसे है। भाई प्ले करो। सेफ्टी फीचर्स की बात करें, एक तो टोयोटा की बिल्ड क्वालिटी की बात कर लो भाई, वन ऑफ द बेस्ट है। उस पर से इसमें 6 एयरबैग मिलते हैं और जितने भी हमारे सेफ्टी फीचर है ना, ESP हो गई, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, सभी मिलते हैं इसमें फीचर, मतलब सेफ्टी वाइज तो भाई बिल्कुल वर्थ है। भाई अगर अब आज की डेट में अगर आपको कोई गाड़ी लेनी हो तो आप SUV प्रेफर करोगे या फिर सेडान? भाई एक SUV तो है पर हाँ, अगर इसके बाद कभी SUV जाना तो हाँ बिल्कुल है भाई, SUV एक घर में बिल्कुल जरूरी है यार। 7-सीटर गाड़ी हो जो कहीं पे भी ले जाए और ऐसा कभी ना लगे यार, कभी डर लग रहा है। अच्छा। जैसे सेडान चलाते ना डर लगता है यार अब टच होगी, बट ऐसी गाड़ी में कभी लगता ही नहीं यार, बंदा खुल के जाता है कहीं भी। भाई अब जो लेजेंडर आ रही है फॉर्च्यूनर की, वो टोयोटा की जो लेजेंडर आ रही है, उसको लेने का कोई प्लान है? नहीं भाई वो बिल्कुल प्लान नहीं है, क्योंकि अभी तो चलो इसको 4 साल ही हुए, बट यार देखो ना फॉर्च्यूनर ने उसमें 5 लाख रुपए बढ़ा दिया यार डायरेक्ट, और ना इतने कुछ फीचर्स दे रखे उसमें, वही सेम लुक हमारी चल रही है, और मतलब ज्यादा कुछ फर्क नहीं यार, वर्थ नहीं है। अगर लेजेंडर भी हम लेते हैं तो यार उसमें 4x4 नहीं आता है, जो बंदा 4x4 पे जाना चाहता है और लेजेंडर पसंद आ रही है तो उसके लिए ऑप्शन है ही नहीं। हाँ तो भाई ये टोयोटा वालों को सोचना चाहिए कि कम से कम लेजेंडर जो अब इतनी 45 लाख ही बढ़ती है ऑन रोड गुड़गांव में, हाँ जी तो उसमें कम से कम देना चाहिए 4x4। और भाई ये ऐसे कुछ लुक आता है, काफी लंबी गाड़ी है। थर्ड भाई हमने थर्ड तो डाउन ही कर रखी है, थर्ड सीट थर्ड रो तो, हाँ जी तो उसमें आप उसको एज अ बूट यूज करते हो सामान वगैरह रखने के लिए? हाँ जी अभी तो फिलहाल बूट के लिए यूज हो रही है, हाँ कभी जाना हुआ तो उसको अप भी कर लेते हैं। अच्छा और भाई वैसे यूज आती है, और इसमें भाई हमें ऑटोमेटिक आयर गियर मिल जाते हैं। इसमें बढ़िया बात ये लगती है कि ना ड्राइवर और को पैसेंजर साइड है दोनों में ये दे रखे हैं, और खोलते ही लाइट जलती है, मतलब रात में ना इशू नहीं आता कोई भी अगर हमें देखना हो। और ये भाई बिल्ड क्वालिटी तो सबको पता ही है फॉर्च्यूनर की। और भाई हेडलाइट का थ्रो कैसा है? भाई हेडलाइट का थ्रो बहुत बढ़िया, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स इसमें आते हैं, रात को ना कोई भी दिक्कत नहीं होती। एक तो भाई गाड़ी इतनी बड़ी है, बंदा पहले साइड होता है, और डिपर इतने भाई लाइट इतनी, इसका इतना बढ़िया थ्रो है कि बंदा जब भी साइड हो जाए। तो भाई ये हम इसका एक बार चेक कर लेते हैं कि बूट कैसे ओपन होता है, ऐसे कि इसमें की मिल जाती है। भाई हमने पीछे थर्ड रो डाउन कर रखी है पूरी, ऐसे कुछ इसमें आपको स्पेस मिल जाता है। भाई अगर थर्ड रो अगर आप होती है तो फिर इसमें ज़्यादा कुछ स्पेस रहता नहीं है रखने के लिए। हाँ अभी तो जैसे ये फोल्ड हो जाती है, ऐसे इनको उठाओ ना तो ये सारी फोल्ड हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। अच्छा ये साइड में लग जाती है। हाँ इसको ऑफ करें तो भाई इतना कुछ बूट स्पेस हमारा। भाई यहाँ पर भी हमें फॉर्च्यूनर की बैजिंग मिल जाती है, आप बंद करके दिखा दो। भाई अगर बंद करना तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस सिर्फ सबसे बढ़िया भाई यही लगता है मेरे को बंद करने का, आराम से चाबी से खुल जाएगी और कोई एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ता। और भाई एक बात बताओ, ये जो साइड में ये लाइट लग रही है जी, भाई ये एक्स्ट्रा लगवानी पड़ती है या सब कंपनी? ये कंपनी फिटेड है, सब कुछ इसमें कंपनी में दे रखा है। हाँ भाई तो भाई काफ़ी अच्छा लगा भाई से बात करके और फॉर्च्यूनर का रिव्यू लेके। और भाई आपका धन्यवाद, आपने अपने रिव्यू शेयर करे, धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके भाई, भाई सभी भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू भाई।